गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द असाइनमेंट ऑफ यूनिट थर्ड तारोस रिवार्ड। डियर स्टूडेंट, प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल माधव विजन। डियर स्टूडेंट, आफ्टर कंप्लीटिंग वर्किंग विद टेक्स्ट, नाउ वी आर डूइंग वर्किंग विद लैंग्वेज इन दिस वीडियो। एंड क्वेश्चन नंबर ए इज, डियर स्टूडेंट, वर्किंग विद लैंग्वेज, स्ट्राइक ऑफ द वर्ड इन द बॉक्स बिलो दैट आर नॉट सूटेबल। तारो वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, दिस शोज दैट ही वाज। डियर स्टूडेंट, सम वर्ड्स आर गिवन इन कोष्टक, थॉटफुल, हार्ड वर्किंग, लविंग, ऑनेस्ट, कॉन्सेंट्रेट, ट्रस्टवर्दी एंड एफिशिएंट एंड काइंड। डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना है, इसमें आपको वो उपयुक्त शब्द जो है उनका प्रयोग करते हुए इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे ही वाज, थॉटफुल, हार्ड वर्किंग एंड कॉन्सेंट्रेट, है ना। तो आपको इसमें से इस प्रकार से चुनाव करते हुए इसको आंसर देना है और इसका आंसर जो होगा वो इस टाइप से होगा। डियर स्टूडेंट, आंसर इज, तारो वांटेड टू गिव हिज ऑल पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, दिस शोज दैट ही वाज थॉटफुल, हार्ड वर्किंग, लविंग, ऑनेस्ट एंड काइंड। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी, दिस मेड तारो सैडर देन ईवर, दिस रेफर्स टू। द आंसर इज, तारोज इनबिलिटी, देर आर सम अल्टरनेटिवस, फर्स्ट ए स्ट्रॉन्ग वाइंड दैट बिगिन टू ब्लो, तारोज फादर्स ओल्ड एज। नेक्स्ट ऑप्शन इज गिवन, तारोज इनबिलिटी टू बाय एक्सपेंसिव सेक फॉर दिज हिज फादर। डियर स्टूडेंट, दिस सेंटेंस दिस इज रेफर्स टू तारोज इनबिलिटी टू बाय एक्सपेंसिव सेक फॉर हिज फादर। मार्क द राइट आइटम डियर स्टूडेंट एंड वी विल मार्क, आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, तारो। तारोज इनबिलिटी टू बाय एक्सपेंसिव सेक फॉर हिज फादर। डियर स्टूडेंट, राइट इट हैज आंसर। नेक्स्ट सेकेंड, दिस सेड द एम्पायर वाज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। डियर स्टूडेंट, दिस रेफर्स इन दिस सेंटेंस, दिस इज दिस रेफर्स टू, अल्टरनेटिव्स आर गिवन। फर्स्ट ऑप्शन इज द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द सिटी। नेक्स्ट द राइट रिवॉर्डिंग तारो विथ गॉड एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर थर्ड इज सेंडिंग टू फॉर तारो टू हियर हिज स्टोरी। मार्क द राइट आइटम डियर स्टूडेंट इन दिस सेंटेंस जो है उसमें द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। द आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड एंड आपको इसके ऊपर मार्क, राइट का जो मार्क है वो मार्क किया है। तो इस प्रकार से इसका आंसर ऑप्शन नंबर टू, सेकेंड, रिवॉर्डिंग तारो विद गॉड एंड गिविंग द फाउंटेन इज नेम। नेक्स्ट सी, क्वेश्चन नंबर सी इज, अरेंज द वर्ड्स बिलो इन पेयर दैट राइम, एग्जांपल्स। डियर स्टूडेंट, वर्किंग विद लैंग्वेज के क्वेश्चन नंबर सी के अंदर आपको उन शब्दों, नीचे दिए गए शब्दों को उनकी राइम के अनुसार तुकबंदी जो है उनकी जो लय है, अंत में अंतिम अक्षरों की जो लय है उसके अनुसार मैचिंग करते हुए सही शब्दों को जमाना है। एग्जाम्पल, यंग, लॉन्ग, मनी, सनी, लाइक दिस। ये जो बॉक्स में कुछ शब्द दिए हुए हैं उनकी जो राइम है वो मिलती जुलती होनी चाहिए, उसी के अनुसार हम इसको रीअरेंज करते हैं और आंसर के रूप में लिखते हैं। डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सी इन वर्किंग विथ लैंग्वेज।
Young, long, sad, bad, wax, ex, wear, die, cut, word, stop, chop, money, sunny, chop, stop, round, sound, fast, last, learn, young, ex, wax, round, sound, last, fast, word, good, day, and where. Dear student, these are the words which have same rhyme at end. Dear student, working with language, question number D is fill in the blanks with words from box. Dear student, दिए गए कुछ शब्दों में से बॉक्स में दिए गए शब्दों के साथ रेगिस्तान में भरिए. लॉन्ली, लिटिल, हार्ड, यंग, थॉटफुल, डिलीशियस, ब्यूटीफुल, ये पोस्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं आपको. इस पर ये जो नीचे एक पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें कुछ खाली स्थान छोड़े हुए हैं आपको, उसमें फिल करना है. फर्स्ट ए, वुड कटर लिव्ड ऑन ब्लैंक्स इनसाइड, ही वॉज ए सन हु वर्क ब्लैंक बट एंड blanks money. One day he saw a blank waterfall hidden behind a rock. He tested the water and found it blank. Dear student, आप लोग इसे fill कीजिए from selecting from the box. The word from the box. Dear student, next question, find these sentence in the story and fill in the blanks. This made Taro sadder than ever. He decided to work. Then before, next morning Taro jump out of bed. Usual he began to chop. Even next morning Taro started for her work. For work even then the morning before. Dear student, आपको इस question के अंदर do it yourself. Dear student, in first a young woodcutter lived. Dear student, the answer will be like this. Dear student, next question is diction. Your teacher will speak words given below. Write is to new words like that rhyme with it. Bat, wax, pass, chop, young. Dear student, आपको इसको yourself करना है. और जैसे bat उसी प्रकार sand like this pen. है ना, वैक्स, एक्स, फैक्स, फास्ट, है ना. इसी प्रकार से आपको दूसरे एग्जांपल्स को फॉलो करते हुए लिखना है. थैंक यू.